हेलो दोस्तों, मैं मीत टाटा मोटर गैरेज आज आपको एक 4018 टाटा 4018 क्यूमिन इंजन में ऑयल पंप की खराबी आने के कारण 6 नंबर बिगन सीज हो गया था, जिससे हमारा एक टैंकर, ये पिस्टन और टैंकर दोनों ख़राब हो गए थे। इसके बिगन घूम गया था, बिगन घूमने के कारण हमें ये इंजन नीचे उतार के हमने क्रैंक ग्रैन करा के अब इसकी दोबारा विद्युत फिटिंग करी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये खराबी इसलिए आई, गाड़ी का ऑयल पंप, इंजन का ऑयल पंप काम छोड़ गया था। अब मैंने इसको नया टाटा का दोबारा नया ऑयल पंप लगाया है, इसके कारण इसका टर्बो सीज हो गया था। टर्बो सीज होने के कारण जब उसके अंदर ऑयल नहीं गया तो 6 नंबर का बिगन सीज हो गया था। अब मैं भाइयों इसके रिंग पिस्टन ओनली सिर्फ रिंग डालने जा रहा हूँ और पैकिंग किट, बाकी कोई बोर ख़राब नहीं हुआ इसका, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ओके है। मैंने इसको हल्का सा पॉलिश करवा दिया है होनिंग से, जिससे इसके रिंगों की गुलाई अच्छी सी आ जाएगी और उसमें मैं नए रिंग डाल के इसकी फिटिंग करने जा रहा हूँ। ये बॉस 1 नंबर का पिस्टन, हर पिस्टन पुराने हैं और मैंने रिंग नए डालने जा रहा हूँ, और अभी मैं आपको रिंग डालने का तरीका दोबारा बताऊँगा। ये रिंग डालने जा रहा हूँ और मैंने इसको पिस्टनों पे और लगाया, थोड़ा सा हम इस पर भी हेल्प करिए, मेरा हाथ फ्रैक्चर है। बस मेन चीज़ इंजन के अंदर सफाई है दोस्तों, जितना भी इंजन साफ सुथरा फिट करेंगे उतनी उसकी लाइफ ज़्यादा होगी। ये देखिए, ये ऑयल रिंग का रिंग मैंने ऊपर की तरफ रखा है और ये कंप्रेशर बीच वाला और टॉप कंप्रेशर, टॉप रिंग, ये इस तरीके से मैं रिंग रखता हूँ बॉस। और मोबिल लगा लिया है कैप में और इसकी मक्खी से मक्खी, ये मक्खी होती है, इससे मक्खी की मक्खी मिला के और इसके ऊपर लगा देंगे। और ये 12 नंबर के बोल्ट होते हैं, इसको हम मिला देंगे। अरे फास्ट कर ही देंगे, छः नंबर दोस्तों। अब मैं ये 6 नंबर का पिस्टन डालने जा रहा हूँ, इसमें भी इसी तरीके से ऑयल लगा के, भैया थोड़ा रोक लो, मेरा हाथ कमज़ोर पड़ रहा है भाई। देखो आगे, ये मैं ऑयल लिंक यहाँ पे इस तरीके से हम इसके रिंग रखते हैं, जिससे गाड़ी मोबिल नहीं खाती।
बाकी रोड है वहाँ कैप में ऐसे मोबिल लगा के मक्खी से मक्खी मिला के लगाओ ये भाई दो नंबर का पिस्टन डालने जा रहा हूँ मैं। देखो भाई मैंने दो नंबर का पिस्टन डाल दिया है तो ये मैं दो नंबर का प्यार अरे नहीं यार ये भाइयों मैं पांच नंबर पिस्टन में और लगा के और पांच नंबर का पिस्टन डालने जा रहा बस पिस्टन डाल दो क्रैकर सेंटर में होना चाहिए इस चीज़ का ध्यान दिया लाग लुक सब सही कायदे से पड़े होने चाहिए
तरीके से घूमेंगे। अब 4 नंबर का पिस्टन, लास्ट पिस्टन डालने जा रहा हूँ। मैंने इसमें टाटा के रिंग डाले हैं। चले ये भाइयों, मैंने सारे पिस्टन इसके डाल दिए हैं। इस गाड़ी में एल पंप सीज होने के कारण ही इसका 6 नंबर का बिगन सीज हो गया था। मैंने इसमें एल पंप भी नया लगा दिया है और इसका टर्बो भी नया, टर्बो में कोर नहीं लगाई है क्योंकि एल पंप काम छोड़ने के बाद इसके टर्बो भी सीज हो गया था, जिससे से इसका क्रंक का बिगन 6 नंबर का सीज हो गया था, जिसके कारण हमें इंजन खोलना पड़ा था। बाकी हमने इस इंजन में सिर्फ रिंग और मेन बिगन के अलावा कोई चीज़ नहीं डाली। एल पंप के अलावा एल पंप भी डाला है, बाकी सब विधिवत उसी तरीके से फिट कर दिया है। अब हम इसको टार्ट को टार्ट कर देंगे इस तरीके से। नब्बे एम एम पे ये ऐसे टॉर्क रिंच करने के बाद आप बिगन को जरूर हिला के जरूर देखें, ये कैप हिलना चाहिए। अगर हिलेगा नहीं तो आपका बिगन दोबारा सीज होने का खतरा रहता है। लगा वहाँ लगा दो बस। अभी 1 नंबर 6 नंबर टॉक किया है और इसको भी हिला के देख लिया है, दोनों सही हैं। हमारे सारे बिगन और मेन टाइट हो गए हैं। अब हम इसका चैम्बर प्लेट लगा के चैम्बर लगाएंगे। ये प्लेट लगाई है, इसके नीचे एनामोल लगा के जब ये प्लेट लगाते हैं तो इसमें एल पंप वाली जगह में कम एनामोल ना लगाएं। अगर लगाते भी हैं तो 2 बोल्ट कसने के बाद यहाँ से एनामोल जरूर बाहर निकाल दें, क्योंकि ये एनामोल कई बार गैलरी में चले जाती है, जिससे हमारे इंजन में गैलरी में ऑयल नहीं घूमता, जिससे कोई ना कोई बिगन सीज हो जाता है, बड़ी दिक्कत आती है। कई बार ऐसा हो चुका है
और जब ये बोल्ट लगाते हैं तो इसके अगले टाइमिंग के बोल्ट दो बजू लगाएं और पिछले लगाएं, जिससे आपका प्लेट का सेंटर आउट नहीं होता। इस तरीके से हम लोग तो यहाँ पे एनामोल लगाते ही नहीं अंदर की तरफ, तो इससे हम लोगों को खोलना नहीं पड़ता, नहीं तो आम मिस्त्री लोग लगा देते हैं जिससे ये प्रॉब्लम थोड़ी सी आ जाती कभी कभी। इसको लगाने से प्लेट का सेंटर हो जाता है, जिससे हमारे बोर्ड लगाने में प्रॉब्लम नहीं आती। और इस तरीके से हम लोग चैम्बर के ऊपर ही एनामोल लगाते हैं, और मैं अक्सर वाइट एनामोल यूज करता हूँ, जिससे कि इंजन का पता नहीं लगता कि इंजन खुला भी है कि नहीं खुला। लोग लाल नीला पीला लगा देते हैं, जिससे इंजन देखने में दूर से पता लगता है कि किसी ने खोला है। ये जाली बहुत बेहतरीन साफ़ होनी चाहिए, कोई कचरा नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ये ऑयल पंप की जाली होती है, यहाँ से चैम्बर के अंदर जो ऑयल होता है वो यहाँ से खींच के ऑयल पंप सब जगह स्प्रे करता है। और इसकी गुल्लियाँ नहीं लगा दी प्लास्टिक वाली। हाँ, ये चैम्बर अब लगा रहे हैं, इसमें एनामोल लगा के इसको कायदे से बिल्कुल आराम से बराबर बैलेंस करके सुराखों के पास धीरे से रख देंगे। अभी हमारा चैम्बर लग गया। मेन चीज़ भाइयों इंजन के अंदर सफाई का है, सफाई पे जितना ध्यान देंगे उतनी ही इंजन की लाइफ ज़्यादा होगी। तो हमने चैम्बर लगा के अभी इंजन सीधा कर लिया है, अब हमने इसका पंप फंसाया है। अभी यह पंप हमने टाइट नहीं किया है, खाली पंप ऐसे अंदर करने के बाद क्रंक और केम का टाइमिंग मिला लिया है, क्रंक और केम का टाइमिंग मिला लिया है। अब इसका हम पंप का टाइमिंग मिलाएंगे। ये 24 वाल का इंजन है, इसको गेयर को कार्टर देख के इसे बताऊंगा। 24 वाल में 0 से सी पे रखेंगे तो इसका आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है, जिससे गाड़ी की आवाज़ एवरेज सब सही रहती है, स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसको जब हम लोग यहाँ पे इतना मिलाने के बाद दांते में सेट करने के बाद, उसके बाद में हम लोग इधर से पंप का लॉक खोलेंगे जिससे हमारा ये हो गया, ठीक है। इस पंप में यहाँ पे 3 बोल्टों में एडजस्टिंग होती है, हम इस पंप को बिल्कुल बीचों बीच में, यहाँ पे खांचा होता है पंप की बॉडी में, उसके बीच जो बीच में सेंटर में हम लोग खोलते समय अक्सर यहाँ पे देखिए हम लोगों ने टिक का निशान किया है, यहाँ हम लोग निशान से खोल देते हैं, तो इससे हम लोगों को कोई एडवांस रिटायर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और हम लोग की गाड़ी का साउंड एवरेज सब कुछ सही आ जाता है। बस ये कसो ये हमारी पंप फिट हो गया 24 वाल का, ठीक है भाइयों। मुझे आशा होगी कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी, और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये मेरा इंजन कंप्लीट होने के बाद मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। स्टार्ट किया है, ये देखिए बहुत बढ़िया इसका साउंड बना है।
वीडियो में कहा गया था, कमेंट्स में कहा गया था कि आप इंजन स्टार्ट की वीडियो जो डालें, गाड़ी बिल्कुल कंप्लीट है। देखिए मेरे पुलिस में कोई लीगल नहीं है और मैं मीर टाटा मोटर गैस अपने इंजन की स्टार्टिंग की भी आपको वीडियो दिखाई है और गाड़ी का फर्स्ट क्लास साउंड है, फर्स्ट क्लास कई गाड़ी राउंड नहीं दे रही, कुछ नहीं दे रही। आप भाइयों में लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।